They must be crazier than I am. दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं नए एंड्रॉयड गेम्स की जो कि अभी लॉन्च हुए हैं एंड्रॉयड के लिए। सो इस वाले वीडियो में अपन बहुत सारे एक्शन गेम्स देखने वाले हैं जो कि आपको डेफिनेटली खेलना चाहिए और बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो में दोस्तों। सो लाइक कर दो इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, क्योंकि मैं इसमें से कोई भी गेम का फुल गेम प्ले रिव्यू वीडियो डाल सकता हूँ। ज़्यादा वेट ना करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का गेम प्ले। तो इस लिस्ट में जो हमारा नंबर 7 पे गेम निकल के आता है वो है गैंग एम्पायर। गैंग पायर जो कि एक गेम है GTA 5 जैसा। तो ये ओपन वर्ल्ड तो नहीं है, लेकिन इस गेम के अंदर आपको गैंगस्टर वाली फीलिंग्स आने वाली है दोस्तों। आप देख सकते हो इसके अंदर बहुत ज़्यादा डैमेज होने वाला है, बहुत ज़्यादा आपको टीम गैंग मिलने वाली है जो कि आपको गैंग वॉर करनी है और आपको सिटी का नंबर 1 गैंग मिलना, गैंग वॉर बनना है। यहाँ पर आपको मिशंस देखने को मिल जाएंगे दोस्तों, आपको इसमें बॉस फाइट मिलने वाली है, आपको अपना पूरा एम्पायर खड़ा करना है, आपको दूसरी गैंग्स को ख़त्म करना है, उनके बॉसेस को मारना है, आपकी खुद की गैंग बढ़ानी है और इस तरह आप अपने धीरे धीरे पूरी सिटी पर कंट्रोल करने वाले हो। तो हमारे नंबर 6 गेम की तरफ जो कि होने वाला है एक MMORPG गेम। सो दोस्तों आजकल MMORPG का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। सो यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हो एक ऐसा MMORPG गेम जो कि 4GB का है, डार्क बाइंड है। सो डार्क बाइंड इसका नाम है और ये गेम टोटली ऑनलाइन है। तो इसको आप अपने दोस्तों के साथ नहीं खेल सकते, लेकिन ये गेम ऑनलाइन होने वाला है। आप इजीली इसको टैप टैप से डाउनलोड कर सकते हो और आप इसकी ग्राफिक्स लेवल देख ही सकते हो भाई। MMORPG बोले तो ये गेम असेसन क्रीड जैसा हो सकता है। इसके अंदर आपको बहुत सारे बॉसेस की फाइट मिलेगी और देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा बड़ा वर्ल्ड है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट गेम की तरफ जो कि है नंबर 5 वाला, जो कि है एक कार रेसिंग गेम है, जो कि एक हाई ग्राफिक कार रेसिंग गेम है जो कि अभी लॉन्च हुआ है। इसका नाम है फ्यूरियस हीट रेसिंग, जो कि है 134 MB का ऑफलाइन गेम है। आप इसमें पुलिस चेज भी देख सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा गेम है ये ग्राफिक्स को लेकर। आप इसके अंदर देख सकते हो डिटेलिंग, बारिश भी हो रही थी अभी गेम में। सो आपको ये डेफिनेटली, अगर आप कार के शौकीन हो तो आपको डेफिनेटली ये गेम ट्राई करना चाहिए। सो इसके अंदर आपको बहुत सारी कार्स देखने को मिलती है जैसे जैसे आप अपनी लेवल बढ़ाते हो वैसे वैसे। सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट गेम की तरफ जो कि है नंबर 4 और वो है एक बैटल रॉयल गेम जो कि ऑफलाइन है। जी हाँ दोस्तों, ऑफलाइन, वो भी एक बैटल रॉयल गेम। सो इस गेम में आपको बॉट्स के साथ लड़ने मिलेगा और आप बिना इंटरनेट के खेल सकते हो। ये टोटली गेम 400 MB का है और सर्वाइवल गेम है इस फायर बीजी इस गेम का नाम है। सो ये पबजी को कॉपी है, लेकिन ये पबजी की कॉपी होते हुए भी बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया है दोस्तों। और आप इसमें सिंगल प्लेयर खेलने वाले हो और बॉट्स की लेवल आप सेट कर सकते हो दोस्तों। जैसे आपको हार्ड बॉट चाहिए या फिर बॉट्स के डैमेज है वो आप सेट कर सकते हो, लेवल हार्ड या इजी चाहिए आपको जैसी वैसी। सो चलते आपके नंबर 3 गेम की तरफ। तो नंबर 3 पे है एक ड्राइविंग गेम। सो ये ऐसा वैसा ड्राइविंग गेम नहीं है, थोड़ी इसके अंदर हाई ग्राफिक्स ड्राइविंग गेम है। आप देख ही सकते हो दोस्तों इसके अंदर आपको बहुत अलग अलग स्पोर्ट्स कार देखने को मिलने वाली। स्पोर्ट्स कार 3 इस गेम का नाम है, TNP टैक्सी एंड पुलिस। स्पोर्ट्स कार 3 टैक्सी एंड पुलिस इस गेम का नाम है दोस्तों। ये गेम आप देख सकते हो जैसे जैसे आप आपकी गाड़ी को टक्कर करोगे दूसरों से तो आपकी गाड़ी का डैमेज भी होते रहेगा। इसके अंदर डिटेलिंग और जो भी इसकी सिनेमैटिक्स है वो भी बहुत अच्छी है और इसके अंदर आप अपनी कार को एडिट कर सकते हो, रेसिंग देखने को मिलेगी। बहुत सारे मैप्स हैं इसके अंदर
और ग्राफिक्स तो देख ही सकते हो आप, बहुत ही सेटिस्फाइंग है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट गेम की तरफ जो कि है नंबर 2 वाला। सो इसके अंदर दोस्तों ये जो है ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट गेम है। सो दोस्तों मैं इस गेम का वेट कर रहा होता, ये नहीं है कोई फैन मेड भी गेम हो सकता है, लेकिन ये फैन मेड गेम नहीं है। तो दोस्तों धूम 3 का रीमेक है ये, राइज ऑफ डेमोन्स नाम है इसका। 343 MB का है और ये गेम ऑफलाइन होने वाला है। मुझे हैरानी हो रही है दोस्तों, इतना भारी गेम और इतनी कम MB का। और ये धूम 3, आप धूम इटर्नल अगर आप तो PC के गेम शौकीन होंगे तो ये गेम भी आपने ज़रूर खेला होगा। तो उसी गेम को लेकर ये गेम भी बनाया गया है। सेम उसी की तरह आपको फिजिक्स और बहुत सारे इसमें बॉस फाइट्स देखने को मिल जा रहे हैं, और इसके अंदर आपको अलग अलग एबिलिटीज़ भी देखने को मिलने वाली है जो कि बहुत ही बढ़िया होने वाला है। चलते हैं हमारे नंबर 1 गेम की तरफ। सो नंबर 1 पर है मोस्ट अवेटेड गेम अभी तक का मोबाइल के लिए। सो जस्ट कॉज मोबाइल, तो इस गेम का नाम है जस्ट कॉज मोबाइल जो कि लॉन्च होने वाला है। लॉन्च हो चुका है दोस्तों, लेकिन अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ, इंडिया के लिए वेट करना पड़ेगा। ये फिलीपींस में लॉन्च हो चुका है। और इस गेम के बारे में बोलूँ तो दोस्तों ये RPG गेम होने वाला है, और इसकी ग्राफिक्स देख ही सकते हो दोस्तों, आपको सेम एबिलिटी देखने को मिलेगी, शूटिंग आपको एबिलिटी मिलेगी इसके अंदर। और बहुत ज़्यादा इसके अंदर इतना डिटेल में तो नहीं है, लेकिन जैसा एक्सपेक्टेशन था वैसा तो नहीं है, लेकिन ये कुछ नया लेकर आए हैं। और ये गेम, मैं भी इस गेम का बहुत फ़ैन हूँ, मैं भी इसको डेफिनेटली चेकआउट करने वाला हूँ। आप भी इसे देख डाउनलोड कर सकते हो टैप टैप पर। अगर आपको इस गेम को खेलना है इंडिया में तो आपको VPN का यूज़ करना पड़ेगा। सो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे कमेंट में बताओ आपको इसमें से कौन सा गेम अच्छा लगा, और टेक केयर, बाय।